स्वास्थ्य के लिए बहुत करें, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बहुत करें, शिक्षा के अधिकार के लिए बहुत करें और रोजगार के लिए बहुत करें। मैं उन मुद्दों पर लड़ना चाहता हूं। अभी हम उपस्थित हैं गोपालगंज जिला में और जिला परिषद के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार नामांकन की अपना प्रक्रिया जो है वो पूरा कर रहे हैं। और जो जिला परिषद जो उम्मीदवार हैं हमारे साथ में, सबसे पहले इनका हम परिचय जानेंगे और किस क्षेत्र से आते हैं उसके बाद कुछ विषयों पर चर्चा होगी। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मेरे नामांकन सभा में सब लोगों ने इस बारिश के मौसम में सब लोगों ने उपस्थित होकर हमें बहुत आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैडम, आपका नाम? दीपिका सिंह। किस क्षेत्र संख्या से आप लौटाए? 24 माझा क्षेत्र संख्या 24। ये कैंडिडेट हैं जो जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, इन्होंने आज नामांकन भारी जन समर्थन के साथ अपना दाखिला कराया है और कहीं ना कहीं एक परिवर्तन के लिए अपने क्षेत्र में ये लोग जा रहे हैं। मेरा मुद्दा यही रहेगा सर कि अगर आपको जनता विश्वास मत देती है, क्योंकि जनता का जो मत होता है वो विश्वास होता है, उस विश्वास मत को आप किस तरह उनके विश्वास में तब्दील कर पाइएगा? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस बार जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 माझा में मैं किसी इंसान का परिवर्तन करना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ किसी और के बदले मैं बन जाऊँ। मैं चाहता हूं कि सोच में परिवर्तन हो, हमारे क्षेत्र के जनता के सोच में परिवर्तन हो, वो जातिगत भावना से ऊपर उठे, धार्मिक सद्भाव बनाए रखे और विकास के लिए वोट करे, अपने स्वास्थ्य के लिए वोट करे, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वोट करे, शिक्षा के अधिकार के लिए वोट करे और रोजगार के लिए वोट करे। मैं उन मुद्दों पर लड़ना चाहता हूँ। खुद ये शिक्षक हैं और एक शिक्षक ज़्यादातर आज के चुनाव में डॉक्टर और शिक्षक ही आ रहे हैं और कहीं ना कहीं विजय भी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि उनको जनता चुन रही है, क्योंकि शिक्षक जो हैं ये जो शिक्षित हैं उस शिक्षा की बात करेंगे। आखिरी संदेश जो अपने पंचायत वासियों को आप संदेश देना चाहते हो? मैं पंचायत वासियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये परिवर्तन की लहर है, आप लोगों का विश्वास जो आज जनसभा में दिखा है उस विश्वास से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब मुझे ये जिम्मेवारी मिलेगी इस चुनाव के बाद, मैं उस जिम्मेवारी को बहुत बखूबी निभाऊंगा और आप लोगों के विश्वास पे खरा उतरना चाहूंगा। आप लोगों को जो आशीर्वाद मेरे जनता से मिल रहा है मेरे क्षेत्र में, उस आशीर्वाद के लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं। सिर्फ जीत चाहिए कि विकास भी करना है? विकास चाहिए, जीत कर कोई इंसान बदल जाए वो नहीं चाहता हूँ, मैं विकास के लिए लड़ रहा हूँ। देखिए, यही विचारधारा को आपको चुनना है। हम नहीं कह रहे हैं कि आप इनको वोट दीजिए अगर इनका विचार आपको अच्छा लगे, हमें बस मेरा कर्तव्य यही है कि आपके पास विचार पहुँचाए। अगर आपको विचार अच्छा लगे जनप्रतिनिधि का तो चयन कीजिए, काहे कि जिसको आप मत देते हैं एक विश्वास के साथ वो पंचायत का विकास कर पाता है कि नहीं कर पाता है, विकास पंचायत का उन्नति कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ऐसी शिक्षित उम्मीदवार की आवश्यकता है। परिवर्तन ही पंचायत की आवश्यकता है। आप लोग भी हैं, किस मोटो को लेकर इनका आप लोग समर्थन कर रहे हैं? हम 24 के प्रत्याशी हैं जिनका नाम दीपिका देवी है, जिनका ऐसी है विकास कैंडिडेट अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है, विकास किया है, स्कूल बनवाया है, ऐसे में साउथ अमेरिका में इंजीनियर था। हाँ जी, कैंडिडेट अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छे हैं, ये विकास करेंगे, जो भी अपने क्षेत्र का होगा विकास करेंगे। इनका सबसे बड़ा श्रेय है कि हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से स्कूल का संचालन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और सुने गए तो आने वाले समय हमारे क्षेत्र में है ना सर्वांगीण विकास होगा, एजुकेशन में, शिक्षा में और सब चीज़ का विकास होगा, रोड, पानी, बिजली, सब कुछ है ना। आप भी कुछ करना चाहते हैं? बोलिए। विकास सर बहुत ही अच्छे आदमी है, जैसे कि बता दूं कि शिक्षक जो होता है एक शिक्षा की समाज का आईना होता है, और ये सर जो है कि जिस तरह एक कक्षा में सभी बच्चों को एक टीचर एक समान देखता है, यही हमारे समाज का आईना बनकर आया है और हर एक समाज को एक नज़रिया से देखेंगे, हर एक इंसान को, या छोटा हो बड़ा हो, वो सबको एक समान देखेंगे और एक समान विकास सबका होगा। चलिए, इस विश्वास पे उम्मीद है कि उतर पाए। जनता को मत देना है, किसको देना है ये जनता जानती है। फूलों की बौछार कहीं ना कहीं जीत का संकेत है। हम कैमरामैन के साथ